नीट 2024 के रिजल्ट के आने के बाद से जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन किसी भी लेवल पर वो अपनी गलती मारने को तैयार नहीं है। फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। 2025 में जब स्टूडेंट नीट देने जाएगा, देन व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर मेंटेलिटी। मेडिकल एंट्रेंस की जो दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मुलेशन क्या था? ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 1600 उनके लिए एग्जाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशन होगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशन आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये कम से कम समय में एड्रेस हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज एम सिंह सर हियर। नीट 2024 के रिजल्ट के आने के बाद से जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ना तो एनटीए पूरी क्लैरिटी दे रहा है, ना तो एनटीए अपने रिजल्ट में किए गए ब्लंडर्स के बारे में कोई एक्सेप्टेंस ले रहा है। वो केवल केवल कुछ प्रेस रिलीज के साथ या कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें कर रहा है। हमने नीट का एग्जामिनेशन और उसका रिजल्ट फॉर्मेशन जो भी सेट स्टैंडर्ड है, जो भी उच्च मानक है, उस आधार पे किया है, लेकिन किसी भी लेवल पर वो अपनी गलती मारने को तैयार नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने की बात है, ये तो एक तरह से परसेप्शन है कि जैसे मैं कोई काम कंडक्ट करा रहा हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप लेवल पे हो रहा है, लेकिन उस काम से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। रैंक में जो ब्लंडर चेंजेस आए हैं, अगर इस पे कोई एक्शन लेकर के इस चीज को एस्टेब्लिश नहीं किया गया कि बच्चों के साथ जस्टिस हो रहा है, अगर वो एग्जाम देंगे तो एग्जाम में अगर वो पेपर अच्छा करेंगे तो उनको अच्छी रैंक मिलेगी, और जो बुरा पेपर करेगा उसको बुरी रैंक मिलेगी, इस तरह का अगर माहौल नहीं बनाया जाएगा तो नीट 2025 में बच्चे किस लेवल पर डाउन मोरल के साथ एग्जाम दे रहे होंगे, इसको हम और आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कुछ अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में तय होगा कि 2025 में जब बच्चा नीट देने जाएगा, स्टूडेंट नीट देने जाएगा, देन व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर मेंटेलिटी, व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मेंटेलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, और किस तरह से नीट 2024 की वजह से मेडिकल एंट्रेंस की जो दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये चेंज पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा अगर इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। गवर्नमेंट अगर हस्तक्षेप नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और सभी चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिनीट कराने के लिए एक बार कोशिश करनी चाहिए। उस रिनीट में चाहे सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी ना क्रिएट की जाए तो कम से कम वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉपिंग की है, मास कॉपिंग की है, जहां पर नकल की पॉसिबिलिटी भी थी, अगर जरा सी पॉसिबिलिटी थी, अगर आपको कहना कि कोई सबूत नहीं है लेकिन इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी देयर, तो उस सेंटर के एग्जाम को रद्द किया जाए। उन बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स के, उनको भी एग्जाम दिलाया जाए। साथ ही साथ वो बच्चे जो एक बार फिर अपियर होना चाहते हैं एग्जाम में, उनको लगता है कि हमें भी चांस इसके साथ मिलना चाहिए, उनको भी चांस देना चाहिए। और जो बच्चे किसी भी तरह के अनफेयर मीन में नहीं इन्वॉल्व थे, जो ग्रेस मार्क्स लाभान्वित नहीं थे, और वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से अच्छा पेपर दिया है, तो चाहे तो एनटीए उनको रीएग्जाम से अलग रख सकता है, उनके स्कोर किए गए मार्क्स को ही रिजल्ट में आगे लेकर के चल सकता है, जैसा कि 2016 में हुआ था। उसमें जब एक स्थान पे पेपर आउट होता है तो वापस एक बार एग्जाम होता है 1.5 महीने बाद। उसमें स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहें तो रीएग्जाम दे सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं दें। दोनों एग्जाम में से जिसमें बेटर मार्क्स आपके होंगे वो वहां पर रिजल्ट में कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो बेटे, अब मन में ये बात आती है कि क्या रिनीट हो सकता है, तो आपको ध्यान होगा कि कल एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके तुरंत बाद एनटीए के डीजी के साथ आज तक न्यूज चैनल के संवाददाता ने इंटरव्यू किया था। उस छोटे से इंटरव्यू में देखिए और आप खुद ही समझिए, आप खुद ही डिसीजन लीजिए कि रिनीट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं जो एनटीए के डीजी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीजों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मुलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया वो टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ
उसी के हिसाब से उसको एक एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1600 यानी कि 1600 बच्चों के साथ जो है ये इशू आ रहा है 6 सेंटर्स में, उसका संज्ञान आप ले चुके हैं, और कमिटी जो गठित की है सर उसमें कौन कौन है और कमिटी अभी क्या क्या देखने वाली है आगे सर? इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा असर लग रहा था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी विमांस एडिशनल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। सर जो भी निर्णय होगा कमेटी का एज एनटीए, अगर उनका निर्णय होता है कि इन 1600 बच्चों के लिए एक सेपरेट एग्जाम कराया जाए या फिर से एग्जाम कराया जाए, तो एनटीए क्या पूरी तरीके से कार्यरत है, तैयार है ऐसे चैलेंजेस के लिए फ्यूचर में? कि एनटीए का जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्जाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये कम से कम समय में एड्रेस हो जाए जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सर एक आखिरी सवाल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इस वक्त, क्योंकि काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगाया है, एनटीए के तरफ से आप क्या जो सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी कई तरीके के भ्रमित करने वाले इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इश्यूज थे सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रेस रिलीज के भी माध्यम से एड्रेस किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एड्रेस किया है, और एक ये जो इशू आ रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स को मतलब टॉप कर गए या ज़्यादा मार्क्स मिल गए, इस तरीके का जो फॉर्मूला है तो उसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, इतना इशू है जिससे जो कमेटी है वो रिविजिट कर रही है, और जिससे 1600 जो कैंडिडेट्स का इशू है उनका भी, जिनका टाइम लॉस हुआ है उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, और जो 23 लाख बच्चे हैं दे शुड ऑल्सो नॉट थिंक कोई मतलब उनका भी कोई रिजल्ट पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट या कोई उस पर फर्क पड़ रहा है। और एनटीए पे जो तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उसका क्या जवाब देना चाहिए? एनटीए देखो एक प्रोफेशनल बॉडी है, हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और हमारा जो उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देख के काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी हमको एग्जाम्स दिए हैं, तो दैट शोज अवर प्रोफेशनलिज्म एंड वी विल लाइक आगे भी हम मूव फॉरवर्ड विद दैट प्रोफेशनलिज्म एंड विद व्हाटएवर लाइक एसओपीज आर फर्दर नीड टू बी स्ट्रेंथेंड वी विल स्ट्रेंथेंड दोस। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और सारी क्लैरिटी से जवाब देते हुए एनटीए डायरेक्टर जनरल बता रहे हैं कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, मार्क्स का जो फॉर्मुलेशन है उसका भी लॉजिक दिया गया है, और आने वाले समय में जो कमिटी है उनका जो भी निर्णय होगा उसके तहत एनटीए एक्शन जरूर लेगा नीट एग्जाम को लेकर। आप लोगों ने देखा बेटा इस वीडियो में कि जो एनटीए का डीजी है वो कह रहे हैं कि जो 1600 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया और साथ ही साथ अगर हो सका तो उनका एग्जाम कराया जा सकता है, साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जरूरत हुई तो 23 लाख जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट 2024 का, उनके मन में किसी तरह का डाउट ना, उनको ये ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो जो भी कमेटी डिसीजन लेगी उसके अनुसार वो निर्णय लेंगे। यानी कि बेटा जो रिनीट की पॉसिबिलिटी है अभी ओपन है, सेकंड की रिनीट क्या सभी बच्चों के लिए होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, तो इसलिए आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले एक महीने से पढ़ाई को बंद कर रखा है आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर एकदम से कोई डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेवल पे भी कोई डिसीजन आ गया, गवर्नमेंट ने भी अगर इसमें हस्तक्षेप कर दिया, तो सडनली अगर उन्होंने बोल दिया कि विद इन 4 वीक रिनीट कंडक्ट होगा तो फिर आपके लिए वो समय कम होगा, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, एनीथिंग कैन हैपन। आप में से उन बच्चों का जिनका पेपर अच्छा हुआ था जिनके 660 के ऊपर मार्क्स है वो ठीक है बेनिफिट में है, लेकिन अगर रिनीट में उन्होंने पिछले नीट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और दोबारा करा दिया तो फिर आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स पे फंस सकते हैं। बेटा हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेंगी, अल्टीमेटली हमें उसके साथ ही जाना होगा। अब नीट में धांधली हुई या नहीं धांधली हुई उसके कुछ सबूत आपके सामने रखे हुए हैं। बेटा ये 8 मई का समाचार है, आप देखें
दैनिक जागरण का है। नीट परीक्षा की धांधली में नया खुलासा, सामने आया जागरण। आप देखिए, गिरफ्तार आरोपित मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, कटिहार, पूरी, चंपारण, जहानाबाद, सीतामढ़ी, नालंदा के रहने वाले हैं। जेएनवी से नीट परीक्षा में पकड़े गए सातों फर्जी परीक्षार्थी पावापुरी के महावीर मेडिकल कॉलेज के, मतलब नकल हुई और पुलिस ने रेड डाल के विभिन्न जगहों पर पकड़ा। ये तो वो जगह है जहां पर साफ साफ कार्रवाई हुई। अगर उसी समय एक्शन होता, अगर एनटीए या गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स की या किसी भी लेवल पर अगर एक्शन लिया जाता तो और भी इस तरह के गिरोह पकड़े जाते। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड मास कॉपिंग होती है उसमें लिप्त लोग पकड़े जाते। ये न्यूज है, ये न्यूज 8 मई की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और न्यूज लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।